वही जिम्मेदार और समझदार नागरिक है जो अपने मत के अधिकार का उपयोग विवेक से करता हो। 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी नागरिक मतदाता सूची में नाम अवश्य जुड़वाएं, जो अपने मत के अधिकार का उपयोग। राकेश, तू भी 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष का हो गया था, तो अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाया क्या? नहीं। हाँ चाचा जी। अच्छा किया। अब तू वोट डालने जा रहा है क्या? नहीं। वोट डालने से मुझे क्या फायदा होगा? सुन, पिछली बार जब मैंने वोट दिया था तो बदले में मुझे पैसे मिले थे। किसको वोट दिया था? वो मैं नहीं बताऊंगा। सही में नहीं बताएगा? ना यार। क्या यार, तुम लोग भी बहुत होशियार है, पर चाचा जी एक वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा? माना कि मैंने सही उम्मीदवार को वोट दिया, पर इस बात की क्या गारंटी कि मेरा वोट उसी को गया? दिक्कत क्या है? आपको पता है हम अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते। अरे समझदार होकर 4G की दुनिया में कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? अभी लेटेस्ट EVM मशीन का उपयोग होता है इस चुनाव में। अच्छी तरह से उस मशीन की जांच की जाती है। इसके साथ एक और मशीन जोड़ी जाती है, VVPAT मशीन, जिसकी स्क्रीन पर 7 सेकंड तक एक पर्ची दिखाई देगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने जिस उम्मीदवार पर बटन दबाया आपका वोट उसको गया, इसकी पुष्टि पर्ची से की जा सकती है। सही में मास्टर जी? हाँ बेटा, 16 आने सच बात है। पर मार साहब, ये वोट देना जरूरी क्यों है? चाचा जी, हमारे भविष्य का फैसला कोई और करेगा या हमारा चुना हुआ उम्मीदवार? ये तो हमारा चुना हुआ उम्मीदवार ही करेगा। हमारे भविष्य के बारे में हम ही फैसला लेंगे और प्रजातंत्र ही हमारे विकास के निर्णय लेगा। कैसे किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में हम अपने संसाधनों को दाव पर लगा सकते हैं? हमें ही जांच पड़ताल करके सही उम्मीदवार को चुनना है। यदि हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखेंगे और हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? और बेटा राकेश, तुम किस फायदे की बात कर रहे हो? वोट देना कर्ज नहीं, हमारा फर्ज है। और हमारा चुना हुआ उम्मीदवार जब चुनकर आएगा तभी फायदा मिलेगा। सही बात है मास्टर जी। और भाई प्रकाश, जो लोग तुम्हें दारू और पैसों में खरीद सकते हैं वो आगे जाकर तुम्हें और तुम्हारे हितों को भी बेच सकते हैं। मास्टर जी, मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं। गलती हो गई, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जो कोई भी पैसा देकर, कोई डराकर या लालच देकर वोट मांगने आए उसको तो हरगिज वोट नहीं देना। ऐसे लोग कभी तुम्हारा और देश का भला नहीं कर सकते। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब जागे तभी सवेरा। सही बात है मास्टर जी। तुम एक वोट की बात करते हो, एक वोट से कभी कभी उम्मीदवार हार भी जाता है। ये देखो, आप गेहूं बीन रही हैं, गेहूं में से कचरा और कंकड़ निकालकर अच्छा गेहूं रख रही हैं। तो फिर हम उम्मीदवार के चयन में क्यों नहीं ध्यान रखते? क्यों नहीं एक सही उम्मीदवार का चयन करते? पर मास्टर जी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बार मैं पक्का वोट करने जाऊंगी और सही उम्मीदवार का चयन करूंगी। तो फिर अपने वोट की कीमत को समझो। वोट करना मजबूरी नहीं, हमारा फर्ज है। आप सब समझे कि नहीं? अब तो आप वोट करने चलेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, हम वोट करने जरूर चलेंगे। सही बात है मास्टर जी, अब हमें हमारे वोट की अहमियत समझ में आ गई है और मैं भी वोट करने जाऊंगी और दूसरों को भी वोटिंग के लिए प्रेरित करूंगी। हाँ हाँ, हम सब वोट जरूर करेंगे और वोट देने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। वो ही जिम्मेदार और समझदार नागरिक जो अपने मताधिकार का उपयोग विवेक से करता है। सभी मतदाता 7 दिसंबर को मतदान करने अवश्य आएं। बूथ पर आपका इंतजार रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी बांसवाड़ा।